हेलो दोस्तों, मैं अंकित, आपका दोस्त और होस्ट, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले आपने एक क्लिप देखी, हाँ यही वाली क्लिप। तो बहुत से लोगों का ये सोचना है या ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि साउथ इंडियन सिनेमा कुछ ऐसा है, ओवर द टॉप एक्शन, ओवर ड्रामेटिक, बट एक्चुअली रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। साउथ इंडियन सिनेमा अगर कंपेयर करे बाकी मूवी इंडस्ट्री से तो काफ़ी बेहतरीन और एक्सलेंट मूवीज़ दे रहा है। इसका एग्जाम्पल है सुपर डिलक्स और KGF, और भी कई ऐसी मूवीज़ हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साउथ इंडियन सिनेमा के 8 एक्सलेंट ब्रिलियंट मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज़ देखेंगे जो यूट्यूब पे हिंदी में भी अवेलेबल है। सो गाइज, लेट्स चेक आउट द लिस्ट। शूरवीर 2 पैरेलल लाइफ के ऊपर बेस्ड एक मूवी है जो दो कपल्स के ऊपर रिलेटेड है, जहाँ पहले कपल का जो फ्यूचर है वो दूसरे कपल का प्रेजेंट टेंस है, और दूसरे कपल का जो पास्ट टेंस है वो पहले कपल का प्रेजेंट टेंस है। इस मूवी में एक मर्डर होता है, जहाँ से ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बनती है। ये मर्डर इन दोनों कपल से कैसे रिलेटेड है, ये इनके डेस्टिनी में है या कुछ और ही चल रहा है इस मूवी में। इंटेलिजेंट खिलाड़ी एक ब्रिलियंट और ईमानदार आर्मी इंटेलिजेंट ऑफिसर की कहानी है। इसे अपने ही बॉस के मर्डर केस में फंसाया जाता है। फिर ये ऑफिसर खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए इस केस के हर एक पहलुओं को ढूंढने निकलता है। फिर उसे पता चलता है कि इस केस के जो राज है वो उसके पिताजी से जुड़े हुए हैं और कैसे उसे फंसाया गया है। तड़म एक ट्विंस की कहानी है जो कि एक मर्डर केस में प्राइम अक्यूज हैं। ये दोनों ट्विंस बाहर से दिखने के लिए एकदम आइडेंटिकल, एकदम सेम हैं, लेकिन अंदर से उतने ही अलग, उतने ही डिफरेंट हैं। पुलिस इस केस में ये ढूंढने की कोशिश कर रही है कि ये जो मर्डर है ये दोनों ट्विंस में से किसने किया है। पुलिस जितना ये केस का इन्वेस्टिगेशन करती जाती है, जितना अंदर अंदर देखती है, उतनी ही केस कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेंज होती रहती है। यूटर्न एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जहाँ कई मर्डर्स और डेथ एक फ्लाईओवर से रिलेटेड है। इस मूवी में ट्विस्ट या टर्न तब आता है जब एक जर्नलिस्ट और एक पुलिस इंस्पेक्टर इन मर्डर्स और इन डेथ के पीछे क्या रीज़न है और वो फ्लाईओवर से कैसे रिलेटेड है, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, इस मूवी का जो एंडिंग है वो काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड यू विल बी सरप्राइज विद द एंडिंग। द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु साइबर क्राइम और हैकिंग के ऊपर बेस्ड एक मूवी है, जहाँ एक आर्मी ऑफिसर अपनी बहन की शादी के लिए एक बैंक से लोन लेता है, और लोन लिए हुए पैसे कोई हैकर उसका अकाउंट हैक करके चोरी कर लेता है। फिर ये आर्मी ऑफिसर ये ढूंढने में लग जाता है कि उसके पैसे आखिर चोरी कैसे हुए। इस मूवी में हैकर्स कैसे मासूम और भोले भाले लोगों के पैसे, पर्सनल इन्फो और फोटोज़, वीडियोज़ कैसे हैक करते हैं, ये दिखाया गया है। तीरन रियल बेस्ड घटना के ऊपर बेस्ड एक मूवी है, जहां एक जांबाज पुलिस ऑफिसर और उसकी टीम 1995 से लेके 2005 के बीच में रॉबरी केस और मर्डर केस जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है। जहां ये टीम छोटे छोटे सुराग ढूंढते हुए स्टेट से स्टेट घूमती है, वहीं कड़ी मान्यवन मूवी एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है। इस मूवी में एक साइको किलर कई मर्डर्स करता है और उस केस की फाइल एक ईमानदार इंस्पेक्टर के पास आती है। पहले तो इंस्पेक्टर को लगता है कि उसने केस सॉल्व कर लिया है, बट नो, एक ट्विस्ट आ जाता है और उसके बाद ट्विस्ट पे ट्विस्ट। एक टाइम ऐसे आता है कि इंस्पेक्टर अपने ही सीनियर्स के खिलाफ जाके ये केस सॉल्व करने की कोशिश करता है। क्या ये इंस्पेक्टर उस साइको किलर को पकड़ पाता है? क्या ये साइको किलर को मार पाता है? यही है इस मूवी की स्टोरी। रत्सन एक सीरियल मर्डर और मिस्ट्री मूवी है, जहाँ एक साइको किलर मासूम बच्चियों का मर्डर करके पुलिस को टॉन्ट करने के लिए उनकी बॉडीज रास्ते पे छोड़ जाता है। फिर एंट्री होती है मूवी के हीरो की। इसे एक्चुअली एक फिल्म मेकर बनना है, बट वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। फिर वो छोटे छोटे सुराग क्लूज इकट्ठा करके ये मिस्ट्री सॉल्व करता है। ये देखने के लिए मूवी पहले थोड़ी स्लो है, बट आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। सो दोस्तों, ये थी कुछ बेहतरीन ब्रिलियंट साउथ इंडियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज़ जो कि यूट्यूब पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है।
एंड आई एम श्योर ये मूवीज़ देख के आप ऐसी और भी बहुत सी मूवीज़ देखना पसंद करेंगे, बिकॉज साउथ इंडियन सिनेमा ऐसी बहुत सी ब्रिलियंट मूवीज़ लेके आ रहा है। तो दोस्तों अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लीव अ लाइक फॉर दिस वीडियो एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और कौन सी मूवी आपको पसंद आई। है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दिस इज़ अंकित साइनिंग ऑफ।